उधर उत्तर प्रदेश में लंबे समय बाद कोरोना वायरस के मामलों में बड़ा उछाल आया। राज्य में 12,787 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई। ऐसे में जबकि 48 लोगों की मौत हुई और सिर्फ लखनऊ की बात करें तो यहां 4,059 नए मामले सामने आए और 23 मरीजों की मौत हो गई। और आंकड़ों से चिंतित सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए कि धर्मस्थलों में 5 से अधिक लोगों को एक साथ प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाए और कहा कि बाजारों में व्यापारियों से संवाद बनाकर उनका सहयोग लेते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। बता दें कि 14 अप्रैल से नवरात्रि हैं और जबकि 13 अप्रैल से रमजान का महीना शुरू होने जा रहा है और इसी को लेकर सीएम योगी ने यह आदेश बेहद महत्वपूर्ण माना जा। और ऐसे में बताया गया कि मथुरा जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया कि बिना मास्क पहने जिले के मंदिरों में लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। यहाँ जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना समेत अन्य मंदिरों में मास्क के बिना किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब आपको ये बता दें कि मंदिर जाते समय लोगों को COVID-19 के नियमों का पालन बेहद ही जरूरी करना होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि पुलिस को बिना मास्क लगाए घूमने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।